नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने कल आप सभी लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने PSEL निवेशकों को किया खुश, यानी कि साथियों आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी PSEL निवेशकों के लिए एक ऐसा नियम बना रही है ताकि वे सभी निवेशक अपना पैसा पाने के लिए फ्री में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथियों उसका नियम भी बताया था कैसे होगा और लगभग 1 मार्च से ये चालू हो जाएगा। तो साथियों अगर आप सभी लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों उसी के रिलेटेड में एक सूचना आई है, चलिए देखते हैं वह सूचना क्या है। तो साथियों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं PSEL लिमिटेड के छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए आवश्यक सूचना। अब साथियों उसमें लिखा हुआ है PSEL लिमिटेड के निवेशकों को सूचित किया जाता है कि सेबी की प्रेस विज्ञापित 8 फरवरी 2019 के अनुसार जस्टिस लोढ़ा समिति के द्वारा सभी निवेशकों को अपने निवेश की धन राशि की वापसी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब साथियों आगे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसी अनुक्रम में राज्य के PSEL के निवेशकों की धन वापसी की प्रक्रिया में सहायता के लिए सभी जनपद पंचायतों में निःशुल्क सुविधा केंद्र की व्यवस्था की है। तो साथियों कर भी दी गई है, अभी 1 तारीख से ये शुरू हो जाएगा, यानी कि ये सूचना में लिखा हुआ है। और चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, जो 1 मार्च 2019 से प्रारंभ होगी, यानी कि साथियों उसमें भी दे दिया गया है कि 1 मार्च से प्रारंभ होगी। तो साथियों छत्तीसगढ़ के सभी प्यारे निवेशक साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काश हम सभी निवेशकों के लिए यह खुशखबरी होती तो हम सभी निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा होता। और चलो कोशिश तो करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो चलिए साथियों इसके आगे हम वापस से पॉइंट पे चलते हैं। PSEL लिमिटेड के सभी निवेशक इस निशुल्क सुविधा केंद्र में जाकर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निवेशक अपनी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अपने पैन कार्ड की कॉपी, हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो, रद्द किए हुए चेक जिस पर आपका नाम छपा हो की कॉपी या सभी PSEL refund.co पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंक के पत्र शीर्ष पर बैंकर का प्रमाण पत्र, PSEL का प्रमाण पत्र की कॉपी, रसीदें यदि कोई है। तो साथियों यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है यदि, यानी कि साथियों हमें रसीदों का टेंशन नहीं लेना है। या और साथियों पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं अपने बैंक डिटेल जिसमें IFC कोड, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर व खाते का प्रकार। तो साथियों इसमें ये बात है कि खाते का प्रकार हम सभी लोगों को पता है कि हमने किस बैंक में और कौन सा अकाउंट खुलाया है। और साथियों IFC कोड, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर ये सब कैंसल चेक में मिल जाएगा, के साथ निशुल्क सुविधा केंद्र जाएं। अब चलिए साथियों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निवेशक http://www.sebipsel.co.in पर जाकर स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की प्रक्रिया हेतु उपरोक्त वेबसाइट पर वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और साथियों आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2019 है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। और साथियों इसी वीडियो में माननीय विकास त्रिपाठी जी ने आप सभी निवेशकों को एक विकलांग की दुविधा बताई है, मतलब वो कैसे अपना पैसा पाएगा, वो कैसे ऑनलाइन आवेदन करेगा और कैसे ऐसे सुविधा केंद्रों पर जाएगा, उसकी पीड़ा और दर्द को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए साथियों देखते हैं माननीय विकास त्रिपाठी जी का यह वीडियो। और साथियों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी निवेशकों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। और करने के लिए इन्होंने कोशिश की है, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने जो जानकारी दी है। ऐसी समस्याएं और भी हैं और पहले तो भैया जिनकी गाड़ी अगर लगी हो गली में तो गाड़ी, अब इनका काम कौन कराएगा? अब व्यक्ति कहता है यहाँ पे होता कुछ नहीं है, बहुत टॉप टॉप सीनियर है जो बोलते हैं होता कुछ नहीं है, हो सकता है
इस व्यक्ति का भी कमीशन खाया होगा, पर आज इसका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। और हमको बोलते हैं नेता नगरी कर रहा है, अब बचाओ ये बेचारा कहां जाए। भैया भैया आपका नाम क्या है? सुप्रकाश। अच्छा, आपका एजेंट कौन था? लाला राम। तो आपने कितना पैसा यहाँ पे जमा किया है? 40,000। अच्छा, तो यहाँ पे ही जमा किया था कि और कहीं जमा किया था? यहीं पे। तो पैसा यहाँ से लेना चाहते हो कि और कहीं से? यहीं से। ऑनलाइन के बारे में जानते हो? पैन कार्ड है? है? तो ऑनलाइन जब जानते नहीं हो तो भारत सरकार ने तो जिम्मेदारी ली हो, कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम भरेंगे, आप लोग भरो तो हम पेमेंट देंगे। तो ये क्या सरकार अच्छा कर रही है? नहीं कर रही है। यही से मिलना चाहिए। तो आप ये बताओ, ये सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं नहीं, गलत है। तो ये आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो ये बताओ। यही से, इसी बिल्डिंग से मिलना चाहिए। तो कल क्या लखनऊ चलोगे आप? चलोगे हमारे साथ? अब मात्र 40,000 रुपए, उसके लिए अगर ये लखनऊ जा सकता है, और अगर अच्छा भला आदमी नहीं जाएगा तो इस विकलांग से भी बेकार कहा जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? अपने हक के लिए जा रहा है। क्या इनके एजेंट को आना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे आना चाहिए। जिम्मेदारी है कि नहीं उन सीनियरों ने जिन्होंने इस गरीब का पैसे का कमीशन खाया है? उनको लड़ना चाहिए कि नहीं? उनको तो घर बैठे इसका पेमेंट होना चाहिए। होना चाहिए। कल मैंने और हमारी एक हम लोगों ने एनजीओ बनाया है, 7-8 विकलांगों को साइकिल, 10 बैसाखियां और 10 धान की मशीने। ये भी बहुत बड़ा कल्याण और बहुत बड़ा पुण्य का काम है। शायद हमने फोटुएं डाली होंगी और उर्सला का पूरा कैंप लगा था वहां पे सारेपुर कॉलोनी में। तो हमारा ये कहना है, यहाँ पे नेता नगरी नहीं हो रही है। जो हो सके जमीन पे काम करें, और ऐसे एजेंटों के लिए ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये शांत हो जाओ। जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम आप सब लोग मिलकर, हम अकेले नहीं लड़ रहे, हम और आप सब लोग मिलकर ऐसे जुनून व्यक्ति का पैसा दिलाने के लिए। क्योंकि जब हमारे जैसे लोग, अभी वो मोनू पांडे जी आए थे जो बोल रहे थे एफडी का हो गया, आरडी का नहीं हो पा रहा है, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आवेदन नहीं कर पा रहा है, ऐसा अनपढ़ आदमी, ये वीडियो क्योंकि शेयर करने में बड़ी शर्म आती है। अगर कोई और फोटो है तो बहुत जल्दी लाइक और शेयर करेंगे, पर ये जिसमें हमारी और आपकी समस्या जुड़ी हुई है, इसको फोटो को ना तो कोई शेयर करता है, ऐसे वीडियो को कोई शेयर नहीं करता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ये सेवी तक कल पहुंच जाए। ऐसा ये होना चाहिए, उनकी आंखों का पानी जो मर गया है, ये सरकार का, ये सत्ता के नशे में जो बैठे हुए हैं, जो पैसा ना देने की नियत बनाए हैं, उनको थोड़ी बात ही शायद रहम आ जाए और इस बिल्डिंग से ही पेमेंट मिलनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है, बाकी आप सब लोग जैसा चाहे, क्योंकि सभी का पैसा लगा हुआ है। बाकी हमारे टॉप सीनियर है जयशंकर शुक्ला जी, मैं उनको बुलाना चाहता। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।